आजकल क्रिकेट लो या फिर और कोई स्पोर्ट्स लो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, बैडमिंटन हो गया, इनमें पर्टिकुलर इस चीज के वीडियो से ज्यादा कुछ अलग करने वाले वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और इसी के बीच यहाँ पे नेपाल के एक खिलाड़ी ने कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करा जो कि अब बहुत ज्यादा वायरल भी मार रहा है और लोग इसके ऊपर मीम भी बना रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आखिर ये जो वायरल होने वाला खिलाड़ी है वो अंडर 16 टीम का है और कौन है ये जानेंगे। इसके साथ साथ इसने किसका कॉपी करा है, ये भी एक नेपाल का ही बंदा था, लेकिन नेपाल के जिस बंदे ने सबसे पहले ये कोल्ड सेलिब्रेशन करा था वो किससे कॉपी करा गया था, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल्स की, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्शन की अलग अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, तो वो होता है लगभग आप सोच सकते हैं कि फुटबॉल के अंदर फुटबॉल के प्लेयर ही ऐसे क्रेज में आते हैं। लेकिन आजकल क्रिकेट के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि अभी से लगभग 2 साल पहले एक मैच खेला गया नेपाल वर्सेज मलेशिया का, जिसके अंदर सोमपाल कामी ने विकेट और उस विकेट लेने के बाद उन्होंने सेलिब्रेशन किया। सेलिब्रेशन कुछ अलग ही अंदाज में था, अपना जूता उतारा और उसके बाद वो जूते को कान पर ले लेते हैं और कहते हैं कि मैंने विकेट ले लिया, जैसे कि कॉल के ऊपर, जैसे फोन के ऊपर बात की जाती है, कुछ ऐसे अंदाज में सेलिब्रेशन किया। ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा हिट भी हुआ था। आप सोचते हैं कि कहां से लाया गया, ये भी कहीं ना कहीं कॉपीड वर्जन है फुटबॉल का। आप सोच रहे होंगे कैसे, आप देखेंगे कि फुटबॉल के अंदर चाहे मेसी हो चाहे और बहुत से ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे आपको फुटबॉल के, जो कि गोल करने के बाद कॉल वाला सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन ये हूबहू कॉपी नहीं था। सोमपाल कामी ने बहुत ज्यादा इनोवेट करा था इस चीज को। वो जो यहाँ पे फुटबॉल वाले एक्शन है उनके अंदर वो हाथ से ऐसे करते हैं जैसे टेलीफोन मिला रखा हो, लेकिन सोमपाल कामी ने खुद जूता उतारा और फोन बना लिया उसका। ये सबसे बात ज्यादा यहाँ पे चकित कर देने वाली बात थी। और अभी यहाँ पे मैच खेला गया नेपाल अंडर 16 टीम के द्वारा, उसके अंदर यहां पे जो पार्थिक पोखरेल हैं उनके द्वारा सिंगापुर के अगेंस्ट एक विकेट लिया गया और उसके बाद वो भी अपना जूता लेकर कान पर लगा रखे थे और उन्होंने भी यहाँ पे सेलिब्रेट करा इस चीज को, क्योंकि एसीसी मेंस कप के अंदर जो अंडर 16 टीम है नेपाल की उन्होंने एसीसी कप जीता है और इसी चीज को शायद वो सेलिब्रेट करके बता रहे थे कि हमने लगभग जीत लिया है और अब हम यहाँ पे इस अवार्ड को पाने ही वाले हैं। अब दोस्तों दोनों के बीच में कंपेरिजन करते हैं, 2 साल पहले जो चीज करी गई थी एक नेशनल टीम के खिलाड़ी के द्वारा वही चीज अजमाई गई यहाँ पे पार्थिक पोखरेल जो कि अंडर 16 टीम के खिलाड़ी हैं उनके द्वारा, और सेम रूबरू कॉपी करके दिखाया गया। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें एक साथ वायरल हो रही हैं, यानी कि सबसे पहले क्रिकेट जो कि एसोसिएशन ऑफ नेपाल है वहां पर ये फोटो पोस्ट करी गई, वहां पर उसने आग लगा दी, दोनों को बहुत ज्यादा यहाँ पे लव मिल रहा था। इसके साथ साथ अब जैसे ही यहाँ पे फोटो बाहर निकल कर आई सोशल मीडिया के ऊपर, फिर आप सोच सकते हैं कि कहां कहां जाने वाली थी, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो Facebook हो, चाहे वो WhatsApp हो, कहीं पे भी देख लो आप, हर जगह ये फोटोज वायरल हो रही है। पार्थिक पोखरेल की तुलना कहीं ना कहीं सोमपाल कामी से करी जा रही है और मैं कहूं कि सोमपाल कामी ने शायद ये जो यहां पे कॉल सेलिब्रेशन होता है वो शायद सीखा है फुटबॉल से। लेकिन यहाँ पे इस फोटो को वायरल किया जा रहा है कुछ इस अंदाज में कि पार्थिक पोखरेल जैसे लिए हुए खड़े हैं अपना जूता और कॉल की तरह रिएक्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरी साइड सोमपाल कामी की फोटो लगाई हुई है और उसके अंदर वो भी ऐसे ही उठाए हुए हैं, उस जूते को कान पर लगाए हुए हैं। अब नीचे लिखा हुआ है कि पार्थिक पोखरेल लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं सोमपाल कामी से और उनसे बोल भी रहे हैं कि मैंने भी इस तरह से विकेट ले लिया जैसे आपने एडवाइस दी थी, उसी अंदाज में मैंने बॉलिंग करी और इसका फायदा मिला। आगे कोई भी कोई टिप्स है तो बताइए दोस्तों। ये चीजें काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। इसी प्रकार से पहले भी पुष्पा वाला जो एक्शन था झुकेगा नहीं साला, वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। दुनिया के बड़े बड़े स्टार क्रिकेटर्स ने भी इसके ऊपर यहां पर रिएक्शन दिया था, जैसे ही विकेट लिया हो, जैसे ही शतक लगाया हो। दोस्तों इस तरह के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।